वेदांत फैशन का स्टॉक मोर देन 25% डाउन है अपने हाई से। यहाँ पे इस कंपनी में क्या चल रहा है, रिजल्ट कैसे थे और यहाँ पे जो है कंपनी का क्या कहना है, मेरा खुद का एनालिसिस क्या है और आपको इस स्टॉक में क्या करना चाहिए, ऐसे हम ये पूरे वीडियो में डिटेल में जानेंगे। तो वीडियो आखिर तक जरूर देखें। तो सबसे पहली बात दोस्तों कि वेदांत फैशन ये जो कंपनी है इसका जो मेन ब्रांड है वो है मान्यवर। और मान्यवर ये जो ब्रांड है ये जिसको हम कहते हैं एथनिक वेयर या फिर शादियों में जो कपड़े लगते हैं उसमें ज़्यादातर के डील करता है। तो यहाँ पे कंपनी का जो पिछले क्वार्टर का जो रिजल्ट आया वो इतना अच्छा नहीं था, बहुत ख़राब भी नहीं था, लेकिन जो ग्रोथ मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था उतनी ग्रोथ यहाँ पे इस क्वार्टरली रिजल्ट में कंपनी ने जो है शो नहीं की। दूसरी अगर हम चीज़ देखें कि मैनेजमेंट का इसके ऊपर क्या कहना है, तो सबसे पहले मैनेजमेंट का ये कहना है कि जो मार्केट में जो चर्चा हो रही थी कि इस साल जो वेडिंग सीज़न है जो दिवाली के बाद शुरू हुआ वहाँ पे 40 लाख जो है मैरिजेस हो सकते हैं ऐसा बताया जा रहा था, लेकिन मैनेजमेंट का ऐसा कहना है कि उनके जो खुद के एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने जो वेडिंग हॉल्स है या फिर के वेडिंग के जो लोकेशंस होते हैं होटल्स रहते हैं वहाँ पे जाके जब इंक्वायरी की तो उनको जो है वहाँ पे डिमांड जो है वो श्रिंक होते हुए नज़र आ रही। तो मतलब मैनेजमेंट का ऐसा कहना है कि जो वेडिंग्स बोला जा रहा था कि 40 से 50 लाख तक वेडिंग्स होगी उतनी वेडिंग्स इस क्वार्टर में जो है इंडिया में नहीं हुई है, तो वही एक वजह है कि वहाँ पे कंपनी का जो रेवेन्यू है वो उतने फास्ट ग्रो नहीं किया। तो दूसरा जो रीज़न है वो ये है कि ओवरऑल जो रिटेल सेक्टर है इंडिया का वो पिछले 2 क्वार्टर से काफ़ी स्लो चल रहा है, फिर चाहे हम पेज इंडस्ट्री देख ले, डीमार्ट देख ले और बाकी के भी जो रिटेल में खास करके कपड़ों में डील करने वाली जो कंपनीज है उन सभी के जो रेवेन्यूज़ है पिछले 2 क्वार्टर से वो जो है काफ़ी स्लो चल रहे हैं, ग्रोथ किसी पे भी नहीं है। और ओवरऑल अगर हम ये कपड़ों का जो मार्केट है, गारमेंट्स का मार्केट है, वो अगर देखें तो वो लेस देन 5% से ग्रो कर रहा है, तो ये काफ़ी चिंता का विषय है। और उसी का रिफ्लेक्शन जो है वो वेदांत फैशन में भी हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि इनके जो कपड़े हैं वो तो और हायर एंड कैटेगरी में आते हैं कंपेयर टू डीमार्ट वगैरह। तो इसी की वजह से ये एक रीज़न है कि यहाँ पे हमें जो है रेवेन्यू में और प्रॉफिट में जो है हमें उतनी ग्रोथ देखने को मिली नहीं। तो ये होगा मैनेजमेंट साइड का कहना। अगर मैं मेरा खुद का एनालिसिस अगर आपको बताऊँ तो सबसे पहला पॉइंट मुझे यहाँ पे लगता है कि वेदांत फैशन जिस वजह से स्ट्रगल कर रहा है वो ये है कि इंडिया का जो एथनिक वेयर का मार्केट है वो किसी भी एक कंपनी को कैप्चर करना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि हर एक स्टेट में जो है एथनिक वेयर जो होते हैं या फिर शादी में जो कपड़े यूज़ किए जाते हैं उनका स्टाइल और वो जो उनका बेस रहता है वो काफ़ी अलग रहता है। जैसे कपड़े शादियों में महाराष्ट्र में पहने जाते हैं वैसे कपड़े जो है पंजाब और हरियाणा में नहीं पहने जाते, जैसे कपड़े यूपी में पहने जाते हैं वो कपड़े केरल और तमिलनाडु में नहीं पहने जाते। तो हर एक स्टेट की जो डिमांड है वो अलग है, तो उस टाइप के हिसाब से वैसा जो है कपड़ा लाना, वैसे डिज़ाइन लाना और वो प्रोड्यूस करना ये किसी भी एक कंपनी के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट है इन पूरे मार्केट का जो है वो कैप्चर करना। दूसरी जो चीज़ है वो इसी से रिलेटेड है, हर एक स्टेट का या फिर हर एक कहा जाए कि जो बड़े स्टेट है और जो बड़े सिटीज़ है उनका एक अलग मार्केट है एथनिक वेयर का। मतलब अगर आप यूपी में हो तो बनारस हो गया, लखनऊ हो गया, वहाँ पे बहुत बड़े मार्केट है जहाँ पे जो है वेडिंग के जो कपड़े हैं वो यूपी के लोग जाके वहाँ पे बाय करते हैं। सेम चीज़ है पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में या फिर हम नीचे आए तो महाराष्ट्र में। तो हर एक जगह अपना अपना जो है उनका लोकल मार्केट है और वहाँ के कुछ बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जो कि वहाँ के जो कस्टमर्स हैं उनके साथ उनका सालों पुराना जो है रिलेशन है या फिर उनका जो गुडविल है उसी की वजह से लोग प्रेफर करते हैं वहाँ से कपड़े खरीदने। तो ये एक रीज़न है वेदांत फैशन को जो है अभी पूरी तरीके से ये जो मार्केट जितना वो कैप्चर करना चाहते हैं जितना उन्होंने IPO के वक्त बताया था उतना मार्केट शेयर अभी तक उनको कैप्चर करने में डिफ़िकल्टी आ रही है। ये हो गया जिसको हम कह सकते हैं कि रीजनल जो है प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं। दूसरा एक प्रॉब्लम है कि जो बड़ी कंपनीज़ है वेदांत फैशन के बाद पिछले 2 साल पहले अगर हम देखें तो वेदांत फैशन जो है वो एक जहाँ पे हम कह सकते हैं कि लिस्टेड जो एंटिटीज़ है वहाँ पे एक मोनोपोली होल्ड करता था, क्योंकि बाकी लिस्टेड कोई एंटिटी ऐसी नहीं थी जो एथनिक वेयर में काम करती थी। लेकिन पिछले 2 साल में जैसे ये जो ग्रोथ दिखी है वेदांत की वो देखते हुए लाइफस्टाइल हो गया, रेमंड हो गया और शॉपर स्टॉप हो गया, इन्होंने भी अपने अपने अलग ब्रांड निकाले हैं जो एथनिक वेयर में जो है उनकी स्पेशलिटी है और वहाँ पर वो डील करते हैं।
तो वहाँ से भी एक पुश जो है वो वेदांत फैशन को मिलता हुआ नज़र आ रहा है, और इन्हीं दो रीज़न की वजह से उनको मार्केट शेयर गेन करने में भी और जहाँ पे भी हम बोल सकते हैं कि नया ग्रोथ लाने में भी जो है प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन इस कंपनी के इस सब प्रॉब्लम के बावजूद इस कंपनी का एक बहुत बड़ा और बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि कंपनी के जो मार्जिन्स हैं उस पर इम्पैक्ट नहीं आया अभी तक। एक क्वार्टर जो है इससे पहले का जो क्वार्टर था उसमें मार्जिन थोड़े बहुत श्रिंक होते हुए हमें दिख रहे थे, लेकिन ये जो क्वार्टर है यहाँ पे रेवेन्यू भले ही कम हो लेकिन जो मार्जिन है वो कंपनी ने अच्छे खासे मेंटेन किए। 30% का मार्जिन रिटेल बिजनेस में, गारमेंट बिजनेस में अचीव करना ये काफ़ी डिफ़िकल्ट बात है। बड़े बड़े प्लेयर्स जो है उनको ये चीज़ जो है अचीव करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी आती है, फिर वो चाहे रेमंड जैसे बहुत पुराने प्लेयर क्यों ना हो। तो ये काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वेदांत फैशन का कि जो मार्जिन्स हैं वो इनके बिल्कुल भी श्रिंक नहीं हुए बावजूद इन सारे प्रॉब्लम्स के। तो हम कह सकते हैं कि ओवरऑल ये जो स्टॉक्स है, अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्टेड हो तो आपको हड़बड़ी में या फिर लॉस में ये स्टॉक बेचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से अगर जो है रिटेल की जो डिमांड है वो थोड़ी बहुत भी अगर बढ़ती है तो उसका एडवांटेज जो है ज़रूर वेदांत फैशन को मिलेगा, मान्यवर को मिलेगा। और साथ ही में जो वेडिंग सीजन, जो दिवाली के बाद जो है जो ठंडा गया है वो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि मार्च के बाद जब स्कूल के जब एग्ज़ाम ख़त्म होते हैं तो उसके बाद एक दूसरा सीज़न आता है वेडिंग का। अगर वो वेडिंग का सीज़न अच्छा जाता है तो जो जून क्वार्टर के या फिर उसके बाद के क्वार्टर के जो रिजल्ट्स आएंगे वहाँ पे हमें अच्छे नंबर ज़रूर देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आपने ये स्टॉक होल्ड किया है, थोड़ा बहुत लॉस में है, तो आप होल्ड कर सकते हो, इसको लॉस में बेचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बाय करना चाहते हो ये स्टॉक तो कौन सा बाय करना चाहिए, रेमंड बाय करना चाहिए, ट्रेंड बाय करना चाहिए, या फिर आप वेदांत फैशन के साथ जा सकते हो। ओवरऑल मैं कहूँगा गारमेंट ये जो सेगमेंट है यहाँ पे आपका जो बिजनेस करना होता है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट रहता है, तो आप कोई भी स्टॉक ले लो लेकिन मोर देन 5% आपके पोर्टफोलियो का इस रिटेल सेक्टर में, खास करके गारमेंट सेक्टर में आपका नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 5% आपका यहाँ पे होना चाहिए। अगर आपके स्टॉक मार्केट रिलेटेड या फिर किसी भी स्टॉक को रिलेटेड कोई भी अगर क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिए, हम कोशिश करेंगे आने वाले वीडियोस में वो क्वेश्चन जो है आंसर करेंगे। वीडियो आखिर तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।